लाखों कोचिंग है, तुम्हारे बैतूल में भी कोचिंग क्लास बहुत चलती होगी। चलती है? अरे बोलो तो जम के, चलती है? पूरे भारत में देखो तो लाखों कोचिंग है, और पूरे भारत में देखो तो ज्ञान देने वाले भी करोड़ों हैं, हमारे जैसे भी ढेर सारे होंगे। ज्ञान देने वाले भी करोड़ों में हैं, कोचिंग क्लासें भी करोड़ों में हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले भी ढेरों में, लाखों में, करोड़ों में मिल जाएंगे। पर उससे ज्यादा ज्ञान जब मिलता है जब इस शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, और कर्म कर कर जब हम आगे बढ़ते हैं तब जाकर जीवन का उत्थान हो पाता है। एक लोटा जल महादेव को चढ़ाओ, पर उसके साथ में आप अपना कर्म भी करिए। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाओ, पर उसके साथ आप अपना कर्म भी करिए। महादेव को एक चावल का दाना चढ़ाओ, पर उसके साथ अपना कर्म भी करिए। शिव जी को एक फूल की पत्ती चढ़ाओ, पर उसके साथ में आप अपना कर्म भी करिए। आप अपना कर्म जब करेंगे तो उसका फल जरूर प्राप्त होगा। कर्म से पीछे नहीं आना, कर्म करो। व्यापार, व्यवसाय, कर्म कोई छोटा नहीं होता। आपका दिल से करना, भगवान उसको पकड़ लेगा। ये सोचकर भगवान का भजन करा करो कि हम भगवान की निगाह में हैं, भगवान की दृष्टि में हैं, भगवान के चरणों में। मंदिर में रहते हो, मंदिर के अंदर रहते हो, तो किसके चरणों में रहते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान के चरणों में हो। काय में हो? भगवान के चरणों में। जब तक महादेव के मंदिर में बैठे हो महादेव के चरणों में है, और राम मंदिर में बैठे हो राम जी के चरणों में हो, कृष्ण मंदिर में बैठे हो कृष्ण भगवान के चरणों में हो, देवी के मंदिर में बैठे हो देवी के चरणों में। आप मंदिर से निकलकर तुम अपने मकान में चले गए, घर में चले गए, तब आप भगवान के चरणों में हो क्या? जम के बोलो, नहीं। मंदिर छोड़ा आपने, मंदिर से निकलकर आप गए, तब आप भगवान के चरणों में अब नहीं। तो फिर अब हम भगवान के चरणों में नहीं है तो करें क्या? अब हम दुकान पर जाएंगे, झूठ बोलेंगे, प्रपंच करेंगे, छल करेंगे, परिवार को चलाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ेगा। हम बोल भी देंगे ना कि तुम झूठ मत बोलो, तो तुम अभी खड़े होकर तो कह दोगे कि मैं कसम खाता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर हमें मालूम है कि तुम भेरू पक्का सिंदूर चढ़ा हुआ हो, कोई साधारण नहीं हो। तुम झूठ नहीं बोलोगे, हो ही नहीं सकता। हम आपको कसम दिला दें कि तुम ये काम तुम्हें नहीं करना है तो तुम करोगे जरूर। इतने हमारे पास में बहुत सारे पत्र आते हैं, गुरुजी आप सभी का नशा मुक्ति कराया करो, नशा छुड़वाया करो। मान लो हम ताप्ती जी में ले जाकर इनको खड़ा भी कर दे, जितना नशेला बैठा हो, जितना मदिरा पीने वाला, दारू पीने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, व्यसन करने वाला हो, मदिरा पान करने वाला, मांसाहार करने वाला, इनको ले जाकर हम ताप्ती जी में खड़ा भी कर दो। मान लो तुम तो ये समझो कि खड़ा कर दिया, कसम भी दिला दी, तो ये छोड़ देंगे क्या? बोलो तो जम के जरा, नहीं छोड़ेंगे। और केवल प्रदीप मिश्रा अकेला प्रवचन नहीं करता, इससे पहले ना जाने कितने कितने संत प्रवचन कर 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 चले गए, उनने भी प्रयास करा कि ये छोड़ दें, कसम तक दिला दी, पर ये छोड़े क्या? नहीं छोड़े। इनको कितनी भी कसम दिला दो, चाहे तुम इनको सोगन दिला दो, चाहे ताप्ती जी में खड़ा कर दो, चाहे नर्मदा जी में खड़ा कर दो, चाहे गंगा जी में खड़ा कर दो, ये सोगंध दिलाने से नहीं
छोड़ सकते, ये छोड़ेंगे जब, जब ये भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे तब इनको नफरत होने लगेगी और भजन की मस्ती चढ़ जाएगी। ये कसम देने से नहीं छोड़ेंगे, ये भजन से छोड़ेंगे, ये भक्ति से छोड़ेंगे, ये स्मरण से छोड़ेंगे। रोज मंदिर जाने की आदत लगा दोगी, एक लोटा जल चढ़ाने की आदत लगा दोगी, रोज रोज जब मंदिर जाएगा, रोज रोज शिवालय जाएगा, तो एक ना एक दिन मेरा महादेव उसको इशारा कर देगा, और इशारा करा उसने, बस उतनी देर में तो उसको नफरत हो गई, सब छूट गया। वो दिल से छोड़ेगा, कसम से बुराई कभी नहीं छूटती, कसम से बुराई कभी नहीं छूटेगी, कसम देने से मदिरा पान नहीं छूटेगा। यहाँ कई माताएं बैठी होगी जो बेचारी शादी करके आई होगी, तो 8-10 दिन बाद ही उसने अपना सिर पे हाथ रख के कसम दे दी, तुम तो नहीं पियोगे ना, तुम तो गलत काम नहीं करोगे ना। अब बताओ ईमानदारी से उसने 8-10 दिन नहीं करा, नहीं करा, उसके बाद में फिर अब बेचारी कहीं घर छोड़ के चली जाए, अब साथ ये कसम से, या ताप्ती में खड़ा करने से, या नर्मदा जी में खड़ा करने से। कई लोग हमसे कहते हैं आप कसम दिलाया करो व्यसन छुड़ाने के लिए, कोई कहता है हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम उनसे कुछ मत करो, अगर इनका व्यसन छुड़ाना है, इनका गलत काम छुड़ाना है, तो इनको मंदिर तक ले जाकर छोड़ना चालू कर दो, या अपने आप छोड़ दो। जब तक भजन का बल नहीं बढ़ेगा तब तक नशा नीचे नहीं दबेगा। भजन के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल को बढ़ा लो, मंदिर में हो तब तक भगवान के, बोलो जम के बोलो, चरणों में हो। मंदिर की सीढ़ी छोड़कर निकले तो भगवान के चरणों में हो, नहीं हो तब क्या करोगे? तब मंदिर में ही भगवान से कह देना, मंदिर में हूं तब तक तेरे चरणों में हूं, और ऐसी कृपा करना मैं कहीं पर भी रहूं, यहां तेरे चरणों में रहूं और वहां तेरी शरण में रहूं, जहां रहूं तेरी शरण में। मंदिर में तेरे चरणों में रखना, दुकान पर रहूं तो समझूं कि तेरी शरण में हूं, घर में रहूं तो समझूं कि तेरी शरण में हूं, तू मुझे खाने को दे रहा है, तू ग्राहक बनकर आया है, तूने मुझे संभाल लिया है, तू मुझे संभाल रहा है। आज अगर ये भात्री परिवार या ये कौशल परिवार या ये कथा करवा रहा है तो ये भगवान की शरणागति से करवा रहा है कि वो करने वाला है। अपन तो केवल एक निमित्त मात्र है, केवल निमित्त। उसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी, उसके भजन का बल कितना प्रबल होगा। एक साधारण सा मनुष्य भजन करता है और एक संत और सती भजन करती है। साधारण सा मनुष्य भजन करता है तब परमात्मा नहीं आता, संत और सती जब भजन करती है तो भगवान को खींच कर बुला लेती है। इतने लोगों में, लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए जब आते हो, इतने लोगों में कोई ना कोई एक संत स्वभावी, कोई ना कोई एक सती ऐसी कथा में आ जाती है जिसका स्पर्श दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे को हुआ, तीसरे को चौथे को हुआ। जैसे एक रज, जैसे वो कोरोना की बीमारी नहीं होती, कोरोना की बीमारी केवल हाथ किसी चीज में छू गया तो वो टच करते 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 सबको हो जाती। बोलो सही है कि गलत है? तो लोग कहते तू बाहर गई थी क्या? नहीं, मैं तो नहीं गई। फिर कहाँ गई थी? कहीं नहीं। कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति गया था क्या? हाँ। कौन गया था? कि छोरा गया था पेट्रोल पंप, तो उसने क्या करा? किसी को टच करा? नहीं। तो फिर उसने तो पैसे भी ऑनलाइन जमा करे, फिर पेट्रोल, हाँ पेट्रोल भरवाया था, बस वो पेट्रोल जो भरवाया था वो मशीन का जो टच हुआ ढक्कन पर, ढक्कन से टच हुआ गाड़ी पर, गाड़ी से टच हुआ ड्राइवर पर, ड्राइवर से टच हुआ घर के लोगों को, और सबको कोरोना हो गया। उसी तरह जैसे कोरोना की बीमारी, वो वायरस केवल स्पर्श मात्र से फैलता है, उसी तरह संत और सती जब भजन करती है या किसी कथा में आकर बैठ जाती है, उसका
स्पर्श मात्र एक दूसरे को लगता 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 हमारे को परमात्मा से मिलन करवा देता। बैठकर तो आप घर में भी कथा सुन सकते हो, बैठकर तो आप घर में सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन सकते हो, बैठकर तो आप आस्था चैनल के सामने, मोबाइल के सामने सुन सकते हो। पर कथा के पंडाल में क्यों जाते हैं कि कोई संत, कोई सती, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ऐसा भक्त जो भगवान की मस्ती में डूबा रहता होगा, और हम दिन भर कमाने में डूबे रहते हैं, परिवार में डूबे रहते हैं, अपनों में डूबे रहते हैं, झूठ प्रपंच में डूबे रहते हैं, पर कोई तो इन लाखों की संख्या में एकाध तो ऐसा होगा जो केवल भगवान में डूबा रहता होगा, उसका स्पर्श हमारे जिंदगी को सवार देता है, हमारे जीवन को सवार देता है, और उसका फल मिलता है। कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा अपना दीदार देने आता है। आया बेतुल में भी कल पानी की बूंद से महादेव टेंट में बनाकर चले गया कि मैं यहीं पर घूम रहा था। पानी की एक बूंद से पूरा पंडाल में कहीं बूंद नहीं थी पानी की, बस वो एक ही जगह पर उसने अपना स्वरूप का दर्शन दिया और चला गया। बस उसकी उसका कहीं ना कहीं वो सती और संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, यदि उसका स्पर्श मात्र होता है तो भी हमको सुख का अनुभव हो जाता है। शरणागति का फल कितना है, आप भगवान से कहते जरूर हो, भोलेनाथ दया करना मैं। अब तुमने इतनी सी बात कह दी कि मैं तेरे भरोसे पे हूं, अब इतनी सी बात कितनी काम की है, जरा ध्यान दो कितनी सी कही, फिर से बोल दो एक बार। अब कितनी सी बात है कि मैं तेरे भरोसे। तो पहले तो जानवर भी दिखते थे कि ये शेर खजाएगा, चीता है खजाएगा, सांप है खजाएगा, तो लोग डर जाते थे कि शेर के पास मत जाओ, सांप के पास मत जाओ, चीते के पास मत जाओ। पर आज के जमाने का इंसान ऐसा हो गया, इसको कैसे पहचाने कि कौन कब तुम्हें खजाएगा, कब नुकसान पहुंचाएगा, कब कौन सा इसके भीतर जानवर प्रकट हो सकता है, इसको जानना कठिन हो गया। कैसे पहचाने, जरा जरा सी बेटियों को केवल भरोसे पर छोड़कर जाते हैं कि तुम्हारा ये रिश्तेदार है, तुम्हारा ये नातेदार है, ये तुम्हें संभाल लेगा। और जब मालूम पड़ता है, अखबार खोलो तो मालूम पड़े कि साहब छोटी सी बेटी के साथ उसी के रिश्तेदार ने ऐसा गलत करते कर दिया। तो मान लो शेर को देखने में आ जाता था कि शेर है नुकसान पहुंचाएगा, चीता देखने में आ जाता था कि चीता नुकसान पहुंचाएगा, सांप देखने में आ जाता कि सांप नुकसान पहुंचाएगा, पर ये कैसे नुकसान पहुंचाएगा, इसको कैसे पहचाने मनुष्य को कि ये हमारे पीछे खड़ा होकर हमको कुल्हाड़ी मार रहा है, इसको कैसे जाना जाए। दुनिया में सबसे जहरीला व्यक्ति है कौन, अरे बोलो तो जमके, समझ गए, बस हो गई आज की कथा पूरी, इतना ही समझना है अपने को। दुनिया का सबसे जहरीला व्यक्ति है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ खाएगा, तुम्हारी एक थाली में खाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, और कब, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कब तुमको चूना लगा देगा, कब तुमको निगल जाएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। ये संसार बहुत कठिन जीवन है मनुष्य का। शेर को पहचानना सरल है, जानवर को पहचानना सरल है, पर इंसान को पहचानना कठिन है। लगा उस माता को, लगा मैं बच्चे को सुला कर आ गई हूं, संत नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे, माला पकड़ के बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और कोई जानवर आ गया मेरे बच्चे को खा गया, तो माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, माता का हृदय तो माता का हृदय होता है। माँ वापिस आ गई, संत माला पकड़ कर बैठे थे, इसने अपने बच्चे को उठा लिया और उस कपड़े में अपने बच्चे को बांध लिया और सिर पे हंडा रखा और पानी भरने चली गई। वो जल भरने गई, इतनी देर में संत की निगाह खुली, उन्होंने देखा कि देखूं झोली में बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा, जो देखा तो झोली में बच्चा ही नहीं था। अब झोली में बच्चा नहीं है, संत हक्का बक्का रह गए, बताओ उसकी मां मेरे भरोसे पर छोड़कर गई है,
उसकी माँ मेरे विश्वास पर छोड़कर गई है, मैंने आंख बंद करी और बच्चा गायब हो गया। बताओ बच्चे को झोली में देखा, झोली में नहीं है, अपने अंदर उस गांव के पूरे क्षेत्र में जाकर देखा, उस गांव के क्षेत्र में नहीं है, अपने उस कुटिया में देखा, कुटिया में नहीं है, झोपड़े में देखा, झोपड़े में नहीं है, बच्चा गया कहां अब समझ में नहीं आ रहा, पर उसकी माँ आती होगी, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई है, मैं करूं क्या? अब इसको नहीं मालूम कि वो ले गई साथ में, पर अब विश्वास कितना प्रबल होता है जब इसके भरोसे पर कह दिया कि मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रही हूं। अब भरोसा देखिए कितना निभाया, संत को लगा ये बच्चा नहीं मिल रहा, संत ने कमंडल में से कुशा उठाई, उस कुशा को झोली में डाल दिया और झोली में डालकर कपड़ा उस पर डाल दिया। इतनी देर में वो बच्चा झोली में खेलने लगा, वो बच्चा झोली में खेल रहा। माई माने आकर जो झोली में देखा तो गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, मेरा बच्चा तो मेरे साथ था, ये किसका बच्चा है? गुरुजी बोले, तू मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी, मुझे नहीं मालूम कि तू ले गई, मैंने एक बच्चा और अपने कुशा से इसको प्रकट कर दिया है, अगर ये लव है तो ये कुश कहलाएगा, अगर ये लव है तो ये कुछ कहलाएगा, मैंने प्रकट करा। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता इतनी प्रबल होना चाहिए कि हम जब उसके भरोसे पर हैं तो ये विश्वास रखना, अगर एक चले भी गया तो दूसरा परमात्मा देने के लिए तैयार बैठा रहता है, ये उसका भरोसा होना चाहिए। मैं तेरे भरोसे, शरीर से मत कहना, इस लाइन को अपने शरीर से नहीं कहना है, कहना उस परमात्मा के लिए, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया दिल से कहते हैं कि मैं तेरे भरोसे पर हूं, मैं तेरे बल पर जी रही हूं, मेरी कोई औकात नहीं बाबा, बहुत तू संभाल लेना, अब तुम कहीं गिरे तो उसने संभाल लिया, गिरे उसने संभाल, तुमने दिल से कहा ना उसको कि मैं तेरे भरोसे हूं, वो संभाल लिया। आपका विश्वास दृढ़ी हो गया, उसने संभाल लिया। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, दृढ़ी हो जाता है, तब वो संभाल लेता है, विश्वास के बल पर संभाल लेता है। एक बात इस बैतुल नगर के पावन प्रागण्य में कहना चाहेंगे, जब एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर जब वापिस चढ़ाओ तो यह मत सोचना कि यह दूसरे की बेलपत्री है, मैंने मेरे महादेव से मांगी है, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सब उसी का तो है, उससे मांग कर उसको दे रही हूं, ये बेलपत्री भी उसकी। हम क्या दे रहे हैं भगवान? बेलपत्री का पेड़ वृक्ष दूसरे ने लगाया, उसकी पत्ती तोड़कर हमने महादेव को चढ़ाई, कभी हमारे भीतर भी तो ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मैं एक दिन मर कर चली जाऊंगी, अपने आप को अमर कैसे बनाऊं? कहीं अगर मैं 2-5 लाख रुपए दान कर दूंगी तो पत्थर पर लाइन, पत्थर पर नाम लिखाएगा, अगर मैंने 25-50 हजार रुपए दान कर दिए तो पत्थर पर नाम लिखाएगा, पत्थर पर भी धूल चढ़ जाएगी, वो पत्थर थोड़ी ना भगवान पर चढ़ेगा, अपने आप को मैं अमर कैसे बनाऊं? तो एक बेलपत्री का पेड़ ऐसा लगा कर चली जाऊं जिसकी पत्ती टूट कर मेरे महादेव पर चढ़ती रहे। प्रत्येक कथा में, प्रत्येक
कथा के अंतर्गत इस व्यासपीठ से हर बार एक बात कहते हैं कि प्रयास करो अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष का निर्माण ऐसा करो कि उसकी पत्ती टूटकर मेरे महादेव के चरणों में जाती रहे, हम रहे ना रहे पर तेरी सेवा होती रहे। बस बहुत झूठा संसार, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ते मतलबी लोग हैं संसार में, आगे बैठने के चक्कर में कजन कहां कहां से फोन लगवा देंगे। इतने मतलबी संसार के लोग हैं री जी, अब तुम यही देख लो री, परसों की कथा पूरी होगी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इतने मतलब के इस बैरीगेट में, उस बैरीगेट में, तीसरे नंबर के बैरीगेट में जितने लोग बैठते हैं इन लोगों के लिए व्यवस्था, तो यहाँ पानी थोड़ा सा कम आता है तो तुम लोग तो बचकर बैठ जाते हो, पर ये से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके बाहर तक, बाहर से लेके आसपास में जितने भी बैठे हैं, इतने बैठे हुए लोग रोज अपनी व्यवस्था पहले बैठने की बनाते हैं, अपनी पन्नी बिछाते हैं, फिर बैठ कर शंकर को याद कर कर उसका भजन में लीन हो जाते हैं। इनके जैसी तप साधना करना बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं ये वनवासी हैं, कोई कहता है आदिवासी हैं, मैं कहता हूं कोई आदिवासी ना कोई वनवासी, ये सब मेरे महादेव के प्राण हैं, ये मेरे महादेव की जान है। वो तो दुनिया के लोग राजनीति के चक्कर में इनको पीछे हटा देते हैं, कोई कहता ऐसा कोई कहता वैसा, पर मेरे महादेव ने अगर शादी करने गए, राम जी के विवाह में लग्न पत्रिका लिखाई तो सारे राजा आए, भगवान कृष्ण की शादी में सारे राजा आए, पर महादेव की शादी में लग्न पत्रिका लिखाई तो सबसे पहला निमंत्रण भूत चुड़ैल डाकनी पिसाचनी और जंगल में गया कि सब आओ देवता बाद में आएंगे। मेरे महादेव ने पहले, सबसे पहले आदिवासी वनवासी ये वो सबको इकट्ठा करा, उसके बाद दूसरों को एकत्रित करा। बारात में सबसे आगे यही नाच रहे थे, देवता तो पीछे पीछे चल रहे थे, इनको कौन नहीं, सब सब पीछे, भगवान कर रहे थे पहले इनको आगे लो। क्यों? क्योंकि दुनिया भले इनको भले नकार दे, दुनिया भले इनको पीछे हटा दे, पर एक बात याद रखना, जितने भी लोग कहें कि ये आदिवासी हैं ये वनवासी हैं, कोई आदिवासी और कोई वनवासी नहीं, सब मेरे महादेव के भक्त हैं और शंकर के उपासक हैं। ये तो दुनिया के लोग केवल तुम्हें तोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं, सनातन धर्म से वंचित कर रहे हैं, तोड़ तोड़ कर अपना बैंक भर रहे हैं, परंतु तुम्हें नहीं टूटना है, तुम्हें एक ही बात कहना है, बोलबम का नारा है और बाबा एक, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा, जब भी बोलो तो दिल से बोलना बोलबम का नारा है, केवल बाबा सहारा है, शंभू हमारा सहारा है, शिव हमारा सहारा है, भगवान शंकर हमारे सहारे, हम उसके भरोसे पर जीते हैं, दुनिया में कोई हमें नहीं टाल सकता। वो कभी नहीं टाल सकते। कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, गुरुजी आपने ऐसी ऐसी पूजन बता दी, लोग मंदिर में आके जल चढ़ाते हैं, कोई मंदिर में आके भोग लगाता है, कोई मंदिर में आके पानी चढ़ाता है, कोई मंदिर में आके बेलपत्री चढ़ाता है। कई लोग इतने फोन आते हैं सीहोर में आश्रम पर, अगर फोनों की रिकॉर्डिंग अगर हम केवल आस्था चैनल पर सुना दें तो आप लोग कहोगे कि दुनिया के लोग ऐसे होते हैं, रोज फोन आते हैं, पंडित जी ने जल चढ़ाना बता दिया, पंडित जी ने बेलपत्ती चढ़ाना बता दी, पंडित जी ने ये बता दिया, हमको मंदिर के ये करना पड़ता है, हमको सफाई करना। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो शिवालय
में लोग पांव नहीं रखते थे, जो शंकर जी के मंदिर में केवल कुत्ते बैठे रहते थे, उस मंदिर में लोग आ रहे हैं, इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। केवल रोड बनाने से और नाली बनाने से शहर का और नगर का गौरव नहीं हो जाता। भारत की भूमि पर जब लोग सनातन धर्म की ओर अग्रण्य हो जाएं, भगवत की भक्ति में अग्रण्य हो जाएं, भजन में अग्रण्य हो जाएं और लोगों को रोजगार और रोटी मिलना चालू हो जाए, तो समझ लेना कि नगर का गौरव है। केवल रोड और नाली बनाने से गौरव का नहीं आती है महाराज। भजन करने से, स्मरण करने से, भक्ति करने से, नाम जाप करने से गौरवता महसूस होती है। लोग जान से कहते हैं तुकाराम जी हमारे यहाँ के थे, लोग जान से कहते हैं ये ताप्ती मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं नर्मदा मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं एकनाथ जी हमारे यहाँ के थे, चांगदेव जी हमारे यहाँ के थे। संत के नाम से जब नगर को आनंदित होता है, तब जाना जाता है कि यह हमारा गौरव है, यह हमारा आनंद है, यह हमारी चित्त वृत्ति है। और हम लगे केवल उसमें, शंकर जी के मंदिर में इतना फैलारा हो जाता है, हमें झाड़ू लगाना। अरे आज के जमाने में जितने भक्त दर्शन करने जाते हैं, उससे दुगने झाड़ू और पोछा लगाने के लिए खड़े रहते हैं। बोलो रे जी जी, और सही है कि गलत है? झाड़ू पोछा लगाने वाले दुगने खड़े मंदिर के अंदर, एक हटता है दूसरा झाड़ू लगाकर चले जाता है, एक हटता है दूसरा पोछा लगाकर चले जाता है। क्योंकि शिव पुराण कहती है जितना जल चढ़ाने से फल मिलता है, उतना दुगना झाड़ू और पोछे से फल मिल जाता है। उसके बाद भी तुम्हें सुख नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर शांति नहीं है। धिक्कार, ऐसे जीवन को धिक्कार। ताप्ती मैया का इतना सा पानी ले जाओ चुल्लू भर। आगे बोलना। इसीलिए तो महादेव मंदिर के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। महादेव बैठते हैं एकदम खुले में कि कोई भी आए, कभी भी आए, चल चढ़ाए, चले जाए। वो तो अब महादेव मंदिर के अंदर मिलते नहीं, तो मेरा महादेव तो पूरी ताप्ती के घाट घाट पर देखो 108 शिवालय मिलेंगे। बेटा अलमस, तुम जब आओ ताप्ती का जल भरो और चढ़ाओ और जाओ, मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे बैठा हूँ, 24 घंटे। जैसे मौत का भरोसा नहीं होता कि दिन में आ रही, कि रात में आ रही, कि सुबह आ रही, कि शाम को आ रही, उसी तरह महादेव का भरोसा नहीं होता कब आ जाता है, कब मिल जाता है, कब मिलेगा। उसके विश्वास पर जियो, उसके भरोसे पर जियो। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कोई कितना ही तोड़ दे तुमको, तुम ऐसे ना 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 ना, हम नहीं टूटने वाले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल में अगर दुख है शिव के पास जाकर बोल देना, कोई नहीं हमारा संसार में, पर महादेव तो हमारा है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक में। जो पास में रहता है उससे कहोगे ना, तो वो तुम्हारा थोड़ा तो थोड़ा हेल्प जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एक बहु पुणे में रहती है, मुंबई में रहती है, और एक तुम्हारी यहीं बैतूल में रहती है। तुम्हारा सिर दुखा तो पुणे वाली आएगी कि ये बैतूल वाली आएगी? बोलो बोलो, बेतुल वाली। भले कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी अपशब्द बोले, पर दुख की घड़ी में आकर तो खड़ी वो ही होगी। पूना वाली तो आएगी दिवाली पे, मम्मी जी करेगी, तुम्हारे आगे पीछे फिरेगी। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको सिखा कर लेकर आया है, 4 दिन रुकेंगे, मुंडा बंद रखा, 4 दिन रुकेंगे, तेरा मुंह बंद रखना, बस दिवाली पे 8-10 दिन मम्मी जी करना, इतनी खुश हो जाएगी मम्मी, जरूर देगी, पक्का है। और उसने भी यही करा, सिर पे पल्लू लेके पिनमिन टच करके बढ़िया यहाँ से पटला पटली लगा के मम्मी जी करे, और मम्मी जी इतनी खुश हो गई, दूर के ढोल सुभाव ने इतनी खुश हो गई कि बहू को चुपचाप से दे दिया, जेठानी को मत बताना, चुपचाप से दे दिया। और जब बीमार पड़ी सास, अब बुला उसको, जा चली जा थोड़े दिन पुणे, जाना एक आध बार, रह तो 2-4 साल उसके पास, धनवंतरी के पास जा, और 2-4 दिन जाके देख लो, 2-4 महीने, 4 महीने तुम पुणे में रह कर देखना, 4 महीने में
40 साल जैसा लगने लगेगा। मेरे घर जाऊं मैं तो बेतुल जाऊं, नीरूंगी यहाँ नीरू, रोटी भी दे तो इतना मुंह फुला के दे, इतनी मुंह चले इसका, इतना मुंह चले। तो पहले तो मम्मी तुम कहती थी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, अरे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एक आध बार मिलो तो सरी। अभी तुमने देखा क्या, काम बेतुल की आएगी, इसलिए भगवान देवादि देव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता है पृथ्वी के। जब दुख आया तुमने पुकारा, मेरा महादेव पेल लेकर नंदी लेकर आ गया, काम वही आएगा, पूरे परिवार वाले तुम्हें शमशान छोड़कर आ जाएंगे, कोई दुखेगा नहीं। चाचा जी को छोड़िया ना, काका जी को छोड़िया ना, नहीं हमारे फूफा जी शादी में हमेशा आगे रहते थे तो शमशान में भी आगे रहेंगे, हमारे जीजा जी हमेशा शादी में आगे आगे काम करते थे, वहां भी इनको नेक निछावर मिलती थी तो शमशान में भी सब चले जाएंगे। जब तक खारी नहीं समताए, हड्डियां नहीं बीनी जाए, 3 दिन तक जीजा जी भी शमशान में रहेंगे। जीजा जी के मैं शादी में कभी आगे नहीं होगा, पर शमशान में नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो इतना आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर शादी में आगे बढ़कर कुर्सी लगा के हलवाई के पास बैठ जाते हैं, नुक्ती छाट छाट सुपारी मर मर के मही खाते रहते हैं। अब जा शमशान में बैठ, इतना हितेशी था तो बैठ जा शमशान के अंदर, नहीं बैठेगा एक रिश्तेदार शमशान में, नहीं बैठेगा, मुर्दा जल रहा होगा, सब आपस में बात कर रहे होंगे, बहुत देर कर दी बहुत देर कर दी, देख लो जरा देख लो, सिर हो गया देख लो, सबको जल्दी है सबको, और आग लगाई आधा घंटा भी नहीं हुआ और सब चले गए, अकेला तुमको छोड़ कर गए हैं। उस समय तुम अकेले नहीं हो, तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है, शमशान में शिव रहते हैं, क्योंकि उनको उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शिव जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, भगवान विष्णु ने कहा तुम प्रसन्न होकर नाच रहे हो, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान कहते मेरे ससुर जैसा दूसरा ससुर नहीं होगा, जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा हूं, शमशान में कौन कब्जा करेगा। शंकर प्रसन्न है, अगर शमशान में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें जलाकर छोड़कर जाते हैं, अंत क्षण तक मेरा महादेव तुम्हारे पास में रहता है, लोग तो चले जाते हैं तुम्हारी चिता के पास में, उस अग्नि के पास में, उस भस्म के पास में, केवल भस्मधारी केवल एक रहता है, वो है त्रिकुंड महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिकुंडधारी रहता है, केवल एक, कोई नहीं आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, इतने भजन तुम्हें याद दिलाएं, जरा गाओ लाइन से, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वो आएगा तुरंत, एक क्षण में दौड़ कर जाएगा, एक क्षण में। 3 मित्र थे, तीनों में लड़ाई हो गई, एक राम जी को माने, एक कन्हैया जी को माने, एक महादेव को माने, तीनों लड़ लिए तीनों। उसने कहा राम बड़े, उसने कहा कृष्ण बड़े, उसने कहा शिव बड़े। शिव महापुराण कहती है कोई बड़ा नहीं सब बराबर है, राम कृष्ण शिव सब एक है, इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक है। वो तो दुनिया के लोगों को अपना घर सेकना है इसलिए इनमें भेद कर दिया, ये राम वाले हो गए, वो कृष्ण वाले हो गए, वो शंकर वाले हो गए, किसी में भेद नहीं है। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा, हो सकता है किसी किसी का पेट अलग हो, जलेबी इधर चली जाए तो बात दूसरी है, नहीं तुम्हारा डिजाइन अगर चेंज हुआ हो तो उसका क्या भरोसा,
नहीं, हमारे यहाँ गुलाब जामुन इस डिपार्टमेंट में जाती है, जलेबी इधर जाती है, तो बात दूसरी। पर हमारा शास्त्र नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म नहीं कहता, गुलाब जामुन है तो पेट में जाएगी, रसगुल्ला है तो पेट में जाएगा, जलेबी है तो पेट में जाएगी। उसी तरह राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, अंत समय में जाना वही है, एक ही जगह। वही कमला मिलेगी, वही लीला मिलेगी, वही मिलेगी। पर कब मिलेगी? जब भजन करा होगा। और कभी अगर उसने कथई नहीं सुनी, दिन भर चुगली, निंदा, बुराई 24 घंटे लगी रही, तो फिर क्या मिला? एक व्यक्ति जा रहा था, गुलाब का फूल देखा, कितना सुंदर फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते ना तो कितना अच्छा रहता। आगे गया तो कोयल देखी, कोयल इतना मीठा बोल रही थी, सोचा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर कायल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, कितना पानी, क्या लहरें चल रही है, पिया तो खारा पानी अच्छा है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल, समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना जोरदार होता। पूरी जिंदगी बुराई देखी साहब, ये बुरा कर दिया, वो अच्छा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरी जिंदगी बुराई देखी। सियर वाला महाराज ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, समिति ने ऐसा कर दिया, समिति ने वो कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, पूरी जिंदगी बुराई देखी। कभी अच्छा तो देखते, और जब अच्छा प्राप्त करते तो जीवन सार्थक हो जाता तुम्हारा। हमने अच्छा देखा ही नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, फिर कौन बुरा, कौन वो, कौन बुरा? अपनी कमला बाई। बुरा कौन? ये मन, ये चित्त, ये हृदय, ये दिल, स्वयं शिव दौड़कर आता। अंत समय प्रभु आन पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़े, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़े, कोई नहीं आएगा, तब मेरा महादेव आएगा, तब मेरा शिव उस जगह पर आएगा। अंत समय भी वही तुम्हारे साथ में रहने वाला है, उसके स्मरण में रहो, उसकी भक्ति में रहो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार पर। और जब हम उसके सहारे पर रहना चालू कर देते हैं, हम उसके भरोसे पर रहना चालू कर देते हैं, तब वो हमको संभाल लेता है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, मायके जाओ तो बच्चे को सास के सुपरत छोड़कर चले जाओ, संभालेगी कि नहीं संभालेगी? जम के बोलो जरा, संभालेगी ना? क्यों? अब उसको मालूम है कि इसकी मम्मी गई हुई है, इसके पापा गए हुए हैं, इसकी आई यहाँ नहीं है, तो वो संभालेगी, वो संभालने का प्रयास करे। आपने कह दिया कि आपको संभालना है, तो वो माँ संभालती है। आपने कह दिया आपको संभालना है, तो पिता संभाल लेता है। आपने महादेव से कह दिया, देवाधिदेव महादेव से कह दिया,
मेरे ओघड़ दानी मेरे भोलेनाथ जी से कह दिया आपको संभालना है तो मेरा महादेव संभालेगा जरूर, ये निश्चित है, संभालेगा। ताप्ती मैया का विवाह हो गया, माँ ताप्ती विवाह कर वन में निवास करने लगी। राजमहल से मंत्री आया, मंत्री ने कहा कि ये तकलीफ है, तो राजा सवर्ण अपनी धर्म पत्नी माता ताप्ती को लेकर पहुंचे, गए। जब गए पहुंचे नगर में देखा, पूरे नगर में देखा अकाल पड़ा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, अन्न का भाग नहीं है, भोजन के लिए कोई सुख नहीं, पूरी हस्तिनापुर एकदम वीरान सी पड़ी हुई है, कोई खाने के लिए अन्न नहीं पानी नहीं, त्राही त्राही मच रही है, त्राही त्राही, सब परेशान, बहुत बहुत दुखी, बहुत दुखी, अन्न का भाग नहीं पानी नहीं, भूखे रह रहे हैं, तकलीफ में है, कष्ट में है। ताप्ती माता से देखा नहीं गया, अभी आपको कहा आप जिसके भरोसे पर हो वो आपको दुखी नहीं देख सकता। कभी दुखी नहीं देख सकता महाराज, प्रीत प्रेम स्नेह वात्सल्यता करुणता यदि आपकी है तो वो निभाएगा। ताप्ती मैया से देखा नहीं गया, माता ताप्ती, राजा सवर्ण सूर्य देव की आराधना करे थे, पर माता ताप्ती ने किसकी आराधना करी है बचपन से, जम के बोलो जरा, भगवान देवदिदेव महादेव की। माता ताप्ती ने हमेशा महादेव की भजन करा, महादेव की भक्ति करी। अब ताप्ती माता ने अपने पति राजा सवर्ण से कहा, स्वामी नगर की दशा देखना है, और नगर की दशा देखकर हमें आना चाहिए, हमें नगर वालों से थोड़ा सा मिलना चाहिए, चलो जरा इनकी दशा भी तो जाने, चलो। ताप्ती मैया के लिए रथ लगाया गया, दासी पादुका लेकर आई है माता ताप्ती के लिए, रानी जी ये पादुका, दरवाजे पर रथ खड़ा है, रानी जी चलिए। ताप्ती मैया ने जब दरवाजे से पांव बाहर निकाला तब माता ताप्ती ना पांव में पादुका पर सवार होती, जिस नगर की प्रजा इतनी दुखी हो तो रानी और राजा कैसे खुश होकर रह सकते हैं। मैं ना पादुका पहनूंगी ना मैं रथ पर बैठूंगी। रानी ने जमीन माता से जाकर प्रार्थना करना चाहिए कि मां आप अन्न क्यों नहीं देती हो। ताप्ती ने पूछा, जब माता ताप्ती ने हस्तिनापुर की भूमि पर पांव रखा, हस्तिनापुर की भूमि पर माता ताप्ती जब पांव रखती है तब माता ताप्ती ने पूछा, हे पृथ्वी मैया कि तुम्हें दुख नहीं होता, इतनी संतान तुम्हारी रो रही है, बिलख रही है, भूख से मर रही है और तुम दुखी नहीं होती। ताप्ती मैया के शब्द पृथ्वी माता के कानों में गए, माता पृथ्वी ने सामने प्रकट होकर माता ताप्ती से कहा, मैं पृथ्वी हूं,
पुण्य भी मेरे पास में रहता है और पाप भी मेरे पास में रहता है। जब पाप बढ़ता है तो पुण्य छोटा होते चले जाता है, और पुण्य जब छोटा होते चले जाता है, पाप प्रबल होते चले जाता है, तो पृथ्वी कहती है फिर मेरे हाथ में नहीं रहता अन्न देना, मेरे हाथ में नहीं रहता जल देना, मेरे हाथ में नहीं रहता इनको कुछ प्रदान करना, फिर मैं नहीं दे सकती, फिर देने वाला तो देवति देव महादेव होता है, फिर वो देता है। 23 दिसंबर से जो 29 दिसंबर तक मालेगांव नासिक में, जो नासिक मालेगांव में जो शिव महापुराण की कथा है, उसका नाम ही पुण्य शिव महापुराण की कथा, जो 2 बजे से 5 बजे आएगी, उसमें हमको ये समझना है। कई लोग कहते हैं हमने भगवान शंकर पर जल चढ़ा दिया तो हमें पुण्य मिल गया, कई लोग कहते हैं हमने गाय को रोटी दे दी तो हमें पुण्य मिल गया, कई लोग कहते थे हमने कन्यादान कर दिया तो पुण्य मिल गया, कई लोग कहते थे हमने भूखे को भोजन करा दिया तो पुण्य मिल गया। हमें पुण्य को समझना है कि पुण्य मिलता किस चीज से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता। अभी किसी से पूछ लो तो वो कह देगा हमको स्वर्ग जाना है, हमें वैकुंठ जाना है, हम इसलिए तो कथा सुन रहे हैं, हम इसलिए तो दान कर रहे हैं, इसलिए तो हम भजन कर रहे हैं कि हमें स्वर्ग जाना है। अगर सबकी च्वाइस स्वर्ग है तो नरक कौन जाएगा, फिर नरक कौन जाएगा। किसी ने हमसे एक बार प्रश्न कर लिया, क्यों महाराज जी सारी दुनिया स्वर्ग जाना चाहती है, आप कहां जाना चाहते हैं। हमने कहा हमारा भी मन है भगवान कैलाश अधिपति के चरणों में जाने का, और मान लो भूल से तुम्हारा रास्ता भटक गया तो कभी कभी चलते चलते हो जाता है, गाड़ी इधर जाना थी उधर पहुंच गई, तो गूगल मैप पे भी तो कभी कभी गलत बता देते हैं, रास्ता भटक जाता है, और स्वर्ग जाते जाते नरक ले गए तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है, राजा जनक को भी तो ले गए थे, राजा जनक भी तो नरक के रास्ते से गए थे, चले जाएंगे तो उससे होगा क्या। हमने कहा राजा जनक जैसे ही रास्ते में नरक के गए, उनके शरीर की छूकर हवा चली तो वो सब चिल्लाने लगे, हाहाकार मचाने लगे, सब चिल्लाने लगे। राजा जनक जी ने पूछा हुआ क्या, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, सब आपको रोकने का कह रहे हैं। जनक जी ने पूछा क्यों, आपके शरीर से जो हवा निकल कर जा रही है, तरंग निकल कर जा रही है, ये नरक में पड़े हुए जीवों को सुख प्रदान कर रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है। जैसे अपन यहां कथा कर रहे हैं, एक आध व्यासपीठ वहां लगा लेंगे और जितने पड़े होंगे सबको सुना देंगे, महादेव जी नंदी लेकर आएंगे, सबको भर के लेके कैलाश चले जाएंगे, खत्म काम, उसमें क्या टेंशन। नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ना तो सियोर वाले महाराज को मालूम है और ना आपको मालूम है, और किसी महाराज को मालूम हो तो उसको हमारी तरफ से प्रणाम। नहीं कोई कह दे कि हमें तो स्वर्ग ही मिलेगा क्योंकि हम स्वर्ग घूम के आए हैं, जो गया वो आज तक आके नहीं बताया कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। हम तो इतना जानते हैं बस यहां पर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, राम नाम कृष्ण नाम निकल रहा है, खाने को जोरदार 2 रोटी घी लगा के मिल रही है, भाजी मिल रही है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, खूब आराम से सोने को, शरीर में कोई रोग नहीं बीमारी नहीं, खूब अच्छे से रह रहे हो, तो समझ लो तुम स्वर्ग में रह रहे हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, पति अच्छा है, परिवार अच्छा है, समझो कि तुम स्वर्ग में हो, और इसमें से एक भी गड़बड़ निकल जाए और शरीर में रोग आ जाए, शरीर कष्टमय हो जाए, समझ लेना अब क्या करे, शरीर बड़ा दुखी है, नरक भोग क्या करे। यही स्वर्ग है, यही बोलो बोलो जम के बोलो नरक।
यही स्वर्ग है। और कोई तुमसे कहे तू तो पापी है नरक जाएगा, तो उससे कह देना वहीं मिलेंगे, फिर बताना कि कौन कहां जाता है। हमने भी शिव महापुराण की कथा बेतुल की सुनी, ताप्ती माता की। महाराज सियोर वाला महाराज ने कहा स्कंद पुराण वायु पुराण अग्नि पुराण में से ये ताप्ती का महत्व समझाया, तो उसमें कहा था गंगा की 100 डुबकी बोलते जाओ, यमुना का 5, नर्मदा जी का दर्शन, और महाराज बोले थे ताप्ती का केवल नाम। कम से कम करोड़ों लोग आस्था चैनल पर फेसबुक पे कथा सुन रहे हैं, एक बार तो ताप्ती बोला होगा, तर गए एक बार तो ताप्ती निकला होगा मुंह से। जब हमारा वेद पुराण शास्त्र कह रहा है कि ताप्ती का केवल नाम लिया, तर गए, फिर मां मिलेंगे। और जैसे एक भजन है ना, आकाश में मिलेंगे, तो जो तुमसे कहे तो तुम भी कह देना बेकुंठ में मिलेंगे, पर इतना जरूर कह देना तू नहीं मिलेगा, तू नहीं मिलेगा। तू तो दिन भर बुराई छाटता था, दिन भर गलतियां छाटता था, दिन भर अपशब्द कहता था। कोई पानी चढ़ाने जाए तो तू चिल्लाए, कोई जल चढ़ाने जाए तो तू अपशब्द बोले, कोई मंदिर जाए तो ताना दे, कोई अच्छा काम करे तो टांग खींचे, तो तू तो नहीं मिलेगा कालिया, तू नहीं मिलेगा, ये पक्का यार, तेरा क्या होगा रे कालिया, तू नहीं मिलने वाला, सब मिले। भजन कोई कहे कहे तो कहता है, आपकी भक्ति का बल बढ़ा। ताप्ती मैया ने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी कहती है मैं पुण्य और पाप देखती हूं तब मैं देती हूं, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं क्योंकि इतना पाप बढ़ गया है, इतना दुराचार बढ़ गया है, मैं पृथ्वी कैसे अन्न दे दूं इनको कैसे। कोई घर में एक पुण्य वाला होता है जिसके बल पर हमें भगवान खूब देता है, तुम इस तुम्हारे कारण आया, सामूहिक परिवार में एकजुटता में जब परिवार में हम सामूहिक रूप से रहते हैं ना, सबके भाग्य का भगवान देता है तो वो बढ़ता चले जाता है, जब हम बट जाते हैं तो भाग्य भी बट जाता है। सामूहिकता समूह में जब हम रहते हैं तो उसका बल बढ़ जाता है, भाग्य प्रबल हो जाता है, तत्व प्रबल हो जाता है, आनंद प्रबल हो जाता है। सामूहिकता समूह में रहना, कभी अहंकार मत करना कि मेरा पति ज्यादा कमा रहा है, कभी यह मत कहना कि मेरा पति दिन भर मेहनत करता है, कभी यह मत कहना मेरा पति मां दिन भर बैठा रहता है। और लोग कह देते हैं बताओ जेठ जी तो घर में पड़े रहते हैं, कोई के देवर हमारा घर में पड़ा रहता है, बाकी के हमारे पति दिन भर काम करते रहते हैं। अरे ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है री कमला, ना जाने किसके भाग्य का है, कौन ऐसा हमारे घर में पुण्य वाला घर के अंदर रह रहा है जिसके भजन का बल हमको मिल रहा है। जब वो चले जाएगा ना, तुम तो अलग होने का प्रयास कर रही हो, अलग कर दो अलग कर दो अलग कर दो, अलग तो हो जाओगी पर इतना सुख नहीं भोग पाओगी जो आज भोगने को मिल रहा। कई बहुएं कहती हम सास से अलग रहना चाहते हैं, रे तो लोगी पर कभी कथा सुनने नहीं जा पाओगी, क्यों, सास घर में रहती है तो तुम कथा में तो चली जाती हो, कभी बहू घर में है तो सास तो कथा में चली जाती है, एक घर में व्यक्ति है तो तुम कथा में पहुंच गए। सामूहिकता में जो सुख है, परिवार की एकता में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता, सब रहो साथ में, भले कितना भी झगड़ा हो, कितना भी झगड़ा हो। हम तो पत्नियों से भी कहते हैं, माताओं से भी कहते हैं, तुम्हारा पति कितना भी झगड़ा करे तो भी कहीं नहीं जाऊंगी मैं, जरा सा झगड़ा करा और मायके चली जाऊं और मायके में फिर बाद में इनका फोन नहीं आए तो मैं बेचैन रहूं,
उससे अच्छा काय को जाऊं यही छाती पे मुंह दल नहीं जाऊं जा। और वो कह भी ना कि जाना अपने पिताजी के घर जा, नहीं जाऊंगी जा नहीं जाऊंगी, चल मैं छोड़ के आऊं तेरे को, तो तुम भी कह देना नहीं जाऊं, बोल दिया ना, चल मैं छोड़ के आऊं, इतने में तुम कह देना मैं तुम्हें दुकान छोड़ के आऊं, चल मेर से बोल मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। वो क्या मैं तेरे को जूता देखा, उसने भी कह देना डमरू मलाई देखा, पति बोलेगा इससे होता क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं होता, बस इसको बजाते हैं तो आधे घंटे में शरीर में देवी प्रकट हो जाती है और कुछ नहीं होता, तो उससे क्या होगा, तुम उठाओ मैं भी दिखाऊंगा। उन्हें जो जूता उठाया और इन्हें बाल खोल के और जो चालू हुई बापड़ा ने दो अगरबत्ती लेने लगा दी, तू तो काली रे कल्याणी मेरी माँ, हाथ जोड़ो देवी 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 के कभी उठाएगा कभी नहीं उठाऊ, तू जा फिर उसने वापिस अब कभी नहीं उठाया उसने, उसको मालूम है ये बहुत गड़बड़ करता है, बहुत गड़बड़ है इसमें। एक बुधनी की कथा है, एक बार बुधनी में कथा करने आया, बहुत सालों पुरानी बात है, बहुत पहले की, एक पत्नी हमारे पास में आकर कहे गुरुजी मेरा पति बहुत पी के आता, मैं बहुत परेशान हो गई, उससे मारता है बेल्ट से जूता से चप्पल से, मैं क्या करूं तुम बताओ। हमने कहा तू भी पी के चली जा। उन्हें कहा गुरु जी तुम पागल हो गए, हमने कहा हमने ये थोड़ी ना कहा कि तुम मायखाने में जा, तुम मदिरा की दुकान पर जा, हम कह रहे हैं तेरा पति मदिरा की दुकान पर पी कर जाए तो शिव महापुराण की कथा में से पी कर जा, वो मदिरा का नशा करेगा रात को पिएगा सुबह उतर जाएगी, तू एक बार शिव पुराण ऐसी सुन ले कि जिंदगी भर नहीं उतरे, एक बार सुन। उसने कहा होगा क्या, हमने कहा उसकी उतर जाए तेरी नहीं उतरना चाहिए, उसने कहा करना क्या पड़ेगा, बस शंकर भगवान के भक्त क्या करते हैं, एक लोटा जल बेलपत्री चंदन रुद्राक्ष की माला और हाथ में डमरू, करना क्या पड़ेगा, बस वो रात को पी कर आए तो डमरू बजा बाल खोल के बैठ जा दो अगरबत्ती लगा के लाइट बंद करके, बस फिर कहीं होगा वो मारेगा तो कुछ मत करना, पलंग पे चढ़ के भगवान शंकर जैसा तांडव करना, उससे क्या होगा, बस तू करे जा तेरी नहीं उतरना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं उतरेगी, मैं भी यही करके देखो, और उसने चालू कर और जो चालू करा रात के पति पी के आया, उन्होंने दरवाजा ठोकाने लात मारी ने गाली दी, अंदर आया ये बाल माल खोल के अगरबत्ती लगी ने बैठी थी डमरू ममरू बजा, इसके पति ने कहा रोटी दे, उठी कि नहीं उठी, इसने जूता और बेल्ट उठाया ये चढ़ गई पलंग के ऊपर जो घूमी, पति घबरा के सो गया, उठे ही नहीं। अब सुबह से उठ गई नर्मदा नहाई बुधनी में, नर्मदा जी नहा के सुबह से उठ के बैठी, हमने कहा था तेरी नहीं उतरना चाहिए, सुबह से 5 बजे से नर्मदा नहा के बाल खोल के बैठी थी, शंकर जी की पूजन कर रही, पति ने फिर कहा ले ऑफिस जाने का समय आ गया, बच्चों का टिफिन बना दे, श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तु, पति के रोटी दे रहे टिफिन बना दे श्री शिवाय, पति ऐसे ही चले गया बच्चे भी ऐसे चले गए, रात को फिर आया फिर करा फिर वो ऐसी कैसी, दूसरे दिन फिर उतर गया, पति पड़ोसन के यहाँ गया, चाची ए बुआ जी बुआ जी बुआ जी निकल के आई, क्या हुआ बेटा तुम्हारी बहू को ना जाने क्या हो गया, डमरू लेके बैठती बाल खोल के दो अगरबत्ती लगा के बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहती, अब बताओ
इतने में बुआ जी बोली, हुआ कुछ नहीं है, पी के आ गई। उसने कब मैं करूं क्या, कुछ मत कर, तू छोड़ दे या वो छोड़ दे, प्रेम गली अति साकरी में जामे दो ना समाए। पिया हुआ एक ही ठीक लगेगा इसलिए तू छोड़िया। उसकी पत्नी ने आकर, आप बुधनी में जाकर राजपूत परिवार में पूछना, उसकी पत्नी ने आकर श्रीफल देकर कहा, मेरे पति ने मदिरा छोड़ दी। क्योंकि रोज रोज कौन कौन पियो भगवान के नाम का भजन, करो राम नाम और कृष्ण नाम का नशा, भगवान की भक्ति का नशा, बिन पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले। भगवान की अविरल भक्ति का वो नशा है, भगवान के भजन का वो नशा है कि ये तुम्हें डूबने नहीं देगा, तार देगा, तार करे नशा करने वाला, कर रहा करे, छूटेगा उसका भी। अगर नशा करने वाले व्यक्ति को भी आपने एक लोटा जल पकड़ा दिया, घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, बच्चों को एक लोटा जल अगर पकड़ा कर दिया है, पानी भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जल दिया है, निश्चित है एक दिन जल चढ़ाने वाले हाथ को मेरा महादेव पकड़ेगा जरूर और तारेगा जरूर, वो पकड़ेगा निश्चित है। करो भगवत भजन, अविरल भक्ति। अब होगा क्या, ताप्ती मैया पृथ्वी मैया कह रही है कि मैं नहीं दे सकती, देगा कौन, देव अधिदेव महादेव। कितना सुंदर काम करा है माता ताप्ती ने, दुनिया का सबसे सुंदर काम माता ताप्ती ने जो किया, उसी माता ताप्ती की कृपा से इस शरीर के द्वारा भी ये प्रयास किया गया। क्या करा माता ताप्ती ने, दुनिया के लोगों ने जो माता ताप्ती ने करा, वो ताप्ती माता ने जो करा था वो स्कंद पुराण में पढ़कर हमने भी थोड़ा सा प्रयास करा इस शरीर के द्वारा जो ताप्ती माता ने करा था। क्या करा माता ताप्ती ने, केवल एक काम माता ताप्ती ने करा, सब घर घर में जाकर माता ताप्ती ने सबसे कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, मट्टी लेकर आओ, भूमि की रज लेकर आओ, मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। जब घर घर में महादेव की पूजन होगी, शंकर का शिवलिंग का निर्माण होगा, शंकर की पूजन होगी, और सब अपने घर में जब देव अधिदेव महादेव को राजी करेंगे, तो ये निश्चित है मेरा महादेव कुबेर का भंडार खोल देगा, खजाना खोल देगा। जो माता ताप्ती ने हस्तिनापुर में करा था, इस शरीर के द्वारा हम भी प्रयास करते हैं, इस शरीर के द्वारा हम भी प्रयास करते हैं। और आप सबने करा कि नहीं करा, टीवी के माध्यम से आप सबसे प्रार्थना करी गई थी कि शिवलिंग का निर्माण करना है, करा था सबने, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, क्यों करवाया, घर के अंदर जब श्रावण के महीने की शिवरात्रि आती है और उस शिवरात्रि पर जब हम शिवलिंग का निर्माण कर कर हम पूजन करते हैं, जिस जिस घर के अंदर वो शिवलिंग का निर्माण होता है, सावन महीने की शिवरात्रि के दिन जब पूजन होती है, एक साथ जब करोड़ों करोड़ों शिवलिंग का निर्माण होता है, तब उस घर में कभी अकाल नहीं पड़ता, भगवान भंडार भर कर रखता है। ये बात हम कभी कहना नहीं चाह रहे थे, पर माता ताप्ती की कथा में ये बात निकल गई, तो आज निकल गई कि क्यों शिवलिंग का निर्माण करवाया था, किस लिए करवाया था, ये माता ताप्ती से सीखा है हमने, ये माता ताप्ती से सीखा है। कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, क्या ऑनलाइन क्या शिवजी का पूजन हो सकता है, घर घर में महादेव बने हैं, घर घर में शंकर बैठे हैं,
और शंकर उसी ने बनाया होगा जिसके दिल में महादेव के प्रति विश्वास होगा, बाकी का तो कौन बनाएगा। करा लोगों ने बहुत बहुत, कई लोगों ने बहुत लगा, लोगों को लगता है उस समय पर बड़ा बहुत विरोध भी किया साहब, अब वो तो ठीक है लगता है लोगों को हो जाता है सब, परंतु ये विश्वास रखना चाहिए कि एक साथ करोड़ों लोग जब एक साथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे होंगे, एक साथ शिव जी को जल चढ़ा रहे होंगे, एक साथ बेलपत्र चढ़ा रहे होंगे, तब उस जगह पर विचार करना कि उस नगर का, उस क्षेत्र का, उस गली का, उस मोहल्ले का, उस परिवार का, उस घर का और मेरे भारत की इस भूमि का उत्थान अपने आप हो जाएगा, आनंद अपने आप हो जाएगा। करो भजन, उस स्मरण को इस माताप्ती की पावन कथा से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में भी जब श्रावण महीने में शिवलिंग का निर्माण हो तो अगर पड़ोसी शिवलिंग नहीं बना रहा है तो उसको कहकर बनवाओ, अपनी धड़ोसन ना बनाए अड़ोसन ना बनाए तो उसको कहकर बनवाओ, छोटे छोटे बच्चों से भी कहो कि शिवलिंग का निर्माण तुम आगे करो, उस शिवलिंग के निर्माण का फल क्या होता है ये माँ ताप्ती की कथा कह रही है। सारे घर घर में जाकर कह दिया शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, शिवलिंग बनाओ, शिवलिंग की पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। तो कई लोगों ने पूछ लिया, ताप्ती तू पागल हो गई हो, तुम रानी हो, महारानी हो, तुम हस्तिनापुर की रानी होकर किस भ्रम में पड़ी हो, तुम हस्तिनापुर की रानी होकर किस आडंबर में पड़ी हो। जब लोग शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो कई लोग आकर आपसे भी कहेंगे क्यों चक्कर में पड़े हो। जब रानी ताप्ती को कह दिया किस भ्रम में पड़ी हो, किस आडंबर में पड़ी हो, रानी ताप्ती तुम हस्तिनापुर की रानी हो, पूरा नगर भूख से मर रहा है, पानी से मर रहा है और तुम शंकर जी का शिवलिंग बनवा रही हो। जिस समय पर कोरोना महामारी चल रही थी, सारा विश्व कोरोना झेल रहा था, उस समय पर ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनवाया था केवल इसलिए कि मेरा राष्ट्र फिर बच जाए और सारे देश कोरोना के कारण नीचे दबते चले गए और मेरा भारत फिर उज्जवल होकर आगे आ गया। यह शिवलिंग का प्रताप, ये शंकर के शिवलिंग का निर्माण का फल है। ताप्ती मैया से लोगों ने कहा तुम रानी हो, राजमाता हो, हस्तिनापुर के लोग भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है और तुम शिवलिंग बनाने में लगी हो, दुनिया के लोग तुमको भी कहने आएंगे क्यों आडंबर में फंसे हो, सीहोर वाला महाराज के चक्कर में फंसे हो, बेमतलब के क्या होता है उससे। तो उसको भी अकल देने वाले को तुम भी थोड़ा सा हाथ जोड़ के अगरबत्ती लगा के कह देना तेरे को यहाँ बुलाया किसने था अकल देने के लिए, तेरे घर कोई आया था पूछने के लिए, तो अपने घर जा, अपनी धर्म पत्नी को और अपने घर के लोगों को अकल दे, हमको मत समझा, हम तो केवल श्री शिवा नमस्तुभ्यम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, हमें कोई मतलब नहीं आडंबर से। और मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरे जीजाओं, एक बात ध्यान लगाकर सुनना, जब दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, ऐसा लगे कि समस्या बहुत बड़ी आ गई, कुछ मत करना, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर शिवलिंग बना लेना, उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ा देना 5 बार और 5 बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को दिया लगाकर विनती कर उस शिवलिंग को केवल विसर्जन कर देना, अपनी कामना कर बाबा हाथ पकड़ लेगा उतनी देर में, तो निहार कितना फल है, केवल पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का इतना फल है, केवल पार्थिव शिवलिंग का। कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए उसको बिठा लो, पूजन करवा लो, कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए उससे अभिषेक करवा लो, और अगर ना मिले तो इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा भगवान का पूजन कर भक्ति कर स्मरण कर आनंद भक्ति करिए। राजकुमारी रानी जी, हस्तिनापुर भूखा मर रहा है, पानी में बिलख रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है और तुम शिवलिंग बनवा रही हो। खूब लोगों ने कहा राजकुमारी को, रानी को, रानी ने नहीं सुना। स्वयं राजा सवर्ण आज रानी ताप्ती से कह रहे हैं, ताप्ती
इनके पास में खाने को नहीं तो महादेव को क्या देंगे। ताप्ती ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि महादेव को क्या देना है, ये पृथ्वी में अकाल पड़ा है, पृथ्वी के एक एक कण में कंकर में संकर है, जब ये शिवलिंग बनेगा कंकर से बनेगा, पृथ्वी के रज से बनेगा, इस पृथ्वी की धूल से बनेगा, माटी से बनेगा, जब कंकर जुड़ेंगे, जुड़कर महादेव पर जल चढ़ेगा, महादेव प्रसन्न होंगे। जितनी कणकण की भूमि किस मिट्टी से शिवलिंग बना है, जितनी मिट्टी शंकर की जिस जगह से आने के लिए आई होगी, वो जगह की मिट्टी मेरा महादेव फिर उपजाऊ कर देगा। और उसका प्रमाण